किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज फिर आपसे OWDC कहें या तरल वेस्ट डिकम्पोजर कहें उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे किसान भाइयों द्वारा उठाए गए हैं, उनका समाधान लेके मैं आया हूं। और साथ ही साथ आपको OWDC के बारे में जो कुछ थोड़े बहुत और समस्याएं भ्रम बताई जा रही उसका निवारण करूंगा। तो OWDC आपको मालूम है, बॉटल आपने देखी हुई है, जो अभी नई बॉटल आपके सामने आई जिसमें ये फोटो लगी हुई है, ये OWDC है। इसको अभी जो आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए गए हैं, मैंने पहले बताया था ऑक्सीजनेटेड बैक्टीरिया इसमें डाला गया है और एक दो बैक्टीरिया बढ़ाए गए हैं, कार्बन बढ़ाए गए हैं, जिससे कि आपको फोमिंग आएगी। कहीं कहीं फोमिंग नहीं आ रही, कुछ कम आ रही। तो उनका कहना है कि बॉटल खराब है, ऐसा नहीं है बॉटल, क्योंकि वो आपको बताया मैंने पानी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, गुड़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक समस्या नहीं है, ये कि अगर आपके वहाँ अच्छा फोमिंग हो रहा है, अगर आप तेजी से इसको घुमाते हैं या तेजी से आप इसको यूज़ करते हैं तो उससे आपको फोमिंग बढ़ जाती है। लेकिन आवाज़ भी काफ़ी लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही, क्योंकि मैंने फिर बताया कि ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, पानी की क्वालिटी। ये बॉटल आपकी जो भी मिल रही है आपको, वो सब एक ही समान क्वालिटी है, उसमें कोई इट्स बर्ड्स नहीं है। अगर फोटो इसमें लगी है, इसमें जो ये नंबर लगा हुआ है DKC लिखा हुआ है, तो ये आपकी पहचान है और आप सभी लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम हो चुका है और आप लोग इसका डिमांड भी इसी तरह से कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस वाइज मैंने पहले बताया कि इसका जो यूज़ है, जो पहले आप करते रहे वो करते रहिए, उसमें कोई अलग नहीं है। लेकिन कुछ भाइयों ने ये रेस किया कि जो हम NWDC है, जो हमारा जो कवच निकला है, उसको भी इसके साथ मिला दे कि ना मिला दे। तो मैंने पहले भी इसको बताया, देखिए ये NWDC है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 20 दिन तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21वें दिन ये तैयार हो रहा है। जब यूज़ करते से मल्टीप्लाई तो अलग अलग करना है दोनों को, दोनों अलग अलग प्लास्टिक के डब्बे रहेंगे, लेकिन यूज़ करते समय आप दोनों को मिला के पानी के साथ दे सकते हैं। सिंचाई में क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंचाई के जो हमारे जीवाणु आपको अगर मान लीजिए वाइट क्रैब है, माइट्स है, उसको अगर मारना है, उसको अगर इफेक्ट देना है, तो उसके लिए पानी में जाएगा। इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होगी, पर एकड़ आपके 500 लीटर बहुत ज़्यादा है, 500 लीटर जो डालेंगे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कहीं कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके वो वाइट क्रैब हो या आपका माइट्स हो, तो वहाँ थोड़ा सा एक दो सिंचाई के बाद फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये इसके साथ दोनों मिला के एक साथ डाल सकते। अब इसके बाद पूछा गया कि भाई अगर हम इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो पत्रों कारक है वो OWDC मिलाया हुआ है उसके साथ भी ये मिला दो, वो उसके साथ भी मिला सकते हैं, चाहे आप अकेले मिला दें, दोनों क्या है OWDC और NWDC एक साथ मिला के आप कर लिए, या आपने जो उसमें न्यूट्रिएंट डाले हुए उनको मिला के आप कर सकते हैं। एक तो ये आपका सिंपल चीज मैंने बताया, और दूसरा एक पूछा गया कि जो गाढ़ा गौमूत्र आप यूज़ कर रहे हैं, यह है गाढ़ा गौमूत्र, बॉटल आपने देखी हुई है, इसमें भी फोटो हमारी लगी हुई है। और ये गाढ़ा गौमूत्र के साथ लोग किसान भाइयों ने बोला है कि इसके साथ मिला के हम NWDC यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं इसको। NWDC आपने बनाया हुआ है 20 दिन पुराना, उसको ले लीजिए आप, 50% ले लीजिए, 50% मतलब मान लीजिए 200 लीटर लिया तो 100 लीटर ये ले लिया, 100 लीटर पानी डाल लिया, उसके बाद आपने ये डाल दिया, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और इसके साथ ही साथ जो भी आप इसमें केमिकल्स डालते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड फंगीसाइड, वो इसमें मिला के अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक यूज़ है कि दोनों जब साथ में अलग अलग तीनों को मिला के अगर आप करना चाहें, तीनों को मिला के भी कर सकते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, खासतौर से स्प्रे के लिए। और जैसा कि गाढ़ा गौमूत्र मैंने बताया कि ये आप खाली स्प्रे में जाएंगे, स्प्रे में आप जो भी केमिकल डालना है, पेस्टिसाइड फंगिसाइड डालना है, उसका 25% रहेगा, और
मुझे खुशी है कि किसान भाई इसको लगातार यूज़ कर रहे हैं और उनको परिणाम भी मिल रहा है। फसल कोई भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपकी हर्ब्स प्लांट हो, चाहे आपका टी गार्डन हो, इवन टी गार्डन के लिए भी आपका गाढ़ा गोमूत्र बहुत ही फायदेमंद है। चाहे कॉफ़ी प्लांटेशन हो, उसमें भी आप डाल के देखिए आपको परिणाम मिलेगा। इसमें कोई इट्स बट्स वाला मैंने पहले बोला नहीं है और ना ही आगे है। तो आप इसको बेहिचक यूज़ करें, परिणाम देखें और अपना वीडियो शेयर करें। मुझे खुशी है कि काफ़ी वीडियो मुझे मिलने लगे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में मिलने हैं और सबका मानना है कि इसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, वो अपना आप तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है।